संगीत की दुनिया से बहुत दुखद खबर आ रही है। गजल गायक पंकज उदास का 72 साल की उम्र में निधन हो गया है। सिंगर पंकज उदास लंबी बीमारी से जूझ रहे थे। सिंगर की फैमिली ने एक स्टेटमेंट जारी करते हुए उनके निधन की खबर दी है। स्टेटमेंट में लिखा है, बहुत भारी मन से हम आपको लंबी बीमारी के चलते 26 फरवरी 2024 को पद्मश्री पंकज उदास के दुखद निधन की जानकारी देते हुए दुखी है। पंकज किस बीमारी से जूझ रहे थे इसकी जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। आपको बता दें कि पंकज उदास गजल गायकी की दुनिया में एक बड़ा नाम थे। पंकज उदास जी को चिट्ठी आई है, गजल से शोहरत मिली। ये गजल 1986 में रिलीज हुई फिल्म नाम में शामिल थी। पंकज ने कई गजलों को अपनी आवाज दी, जिनमें ये दिल लगी, फिर तेरी कहानी याद आई, चले तो कट ही जाएगा और तेरे बिन शामिल है। मशहूर गजल गायक पंकज उदास का सोमवार को 72 साल की उम्र में मुंबई में निधन हो गया। वे लंबे समय से बीमार चल रहे थे। लंबी बीमारी के कारण 26 फरवरी 2024 को पद्मश्री पंकज उदास ने दुनिया को अलविदा कह दिया। ये खबर कई लोगों के लिए सदमे की तरह आई। वही पंकज उदास के पीआर ने बताया कि सिंगर का निधन 26 फरवरी सुबह करीब 11 बजे ब्रिंच कैंडी अस्पताल में हुआ। पंकज उदास लंबे समय से बीमार थे। बीते कई दिनों से उनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। सिंगर के निधन की खबर मिलते ही म्यूजिक जगत में मातम पसरा हुआ है। पंकज जैसे गजल गायक का यूं दुनिया छोड़ जाना फैंस को गमगीन कर गया है। हर कोई सोशल मीडिया पर नम आंखों से सिंगर को आखिरी श्रद्धांजलि दे रहा है।